सभी से बस यही निवेदन, जिस प्रकार से भजन निगड़ी का आनंद ले रहे हैं उसी प्रकार से आनंद लेते रहे। कलाकार बारी बारी से आपके सामने अपनी कला का प्रदर्शन बड़े ही अच्छे तरीके से करते हुए जा रहे हैं। मैं तो उनके जो चरणों की रज हुआ करती है उसके भी बराबर नहीं हूं, फिर भी कोशिश करूंगी आपके इस कोमल रूपी हृदय को प्रकाशित कर सकूं, प्रफुल्लित कर सकूं, गदगद कर सकूं। तो देखिए लिखा, आप जैसे विद्वान होने और आकाश कैसे, कि भक्त बनो बन जा, जो अपने संग कुल की मुक्त कराई, कि दास बने तो तुलसी बन जा, और प्रेम करे तो मीराबाई, और कहे महावीर सुनो हर भक्तो, राम भजन कर राम दोहाई। और ये इंसान जब गर्भ में होता है उस परमपिता परमात्मा से वादा करता है, कहता है कि प्रभु मुझे इस नर्क से बाहर निकालिए, मैं धरती पर जाऊंगा तो आपका नाम रटूंगा। लेकिन जैसे ही धरती पर आया तो होता क्या है, आकाश कहां कैसे, और या काम क्रोध मद लोभ मोह में, जैसे ही धरती पर आया तो हुआ क्या, और या काम क्रोध मद लोभ मोह में, और तू फंस जाएगा। काम क्रोध मद लोभ मोह, काम क्रोध मद लोभ मोह में, और तू फंस जाए। और या काम क्रोध मद लोभ मोह में, क्या या काम क्रोध मद लोभ मोह में, अरे काम क्रोध, अरे कैमरे पे का पुरस्कार शंकर डागुर सिंसनी से दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा और या काम क्रोध मद लोभ मोह में तू फंस जाए, बंदे कर ले कमाई, शुभ कर्मों की बंदे। और कहा अरे शुभ कर्मों की बंदे, शुभ कर्मों की बंदे कर ले कमाई, और संग में जावे तेरे संग में बाबा तेरे संग में बाबा तेरे जावे की भलाई, संग में बाबा तेरे। और कहा अरे जैसा कर्म करेगा
छोटा सा भाई दे रहा है भूपेश, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा अरे जैसा कर्म करेगा पैसा, जैसा कर्म करेगा वैसा फल तू पाएगा। क्योंकि बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। अरे जैसा कर्म करेगा वैसा फल तू पाएगा। अरे जैसा कर्म करेगा। अरे क्या बात है का पुरस्कार पंडित राम बाबू जी दे रहे हैं हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जैसा कर्म करेगा वैसा फल तू पाएगा। और अरे मंतुराम सरपंच जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। पुरस्कार वेदनाथ उप सरपंच साहब दे रहे हैं, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भैया कहा आए थे वो चले गए, बाकी सब संभाली थे, और सिकंदर जब दुनिया से चला तो दोनों हाथ। ऐसा कोई प्रश्न नहीं, ऐसी कोई कथा नहीं, ऐसा कोई जिक्र नहीं जो कि 10-20 बार आपने अपने इन कानों द्वारा नहीं सुना हो। कथाएं सारी वही, प्रसंग सारे वही, लेकिन कहने वाले के ढंग, गाने वाले की गायकी अलग अलग हुआ करती है। बात उस समय की है जिस समय पांचों पांडवों को वनवास दे दिया जाता है। पांचों पांडव मैया कुंती रानी द्रौपदी अपना वनवास व्यतीत कर रहे हैं। पांचों पांडव शिकार खेलने के वास्ते बियावन जंगल में चले गए। कुटिया पर रानी द्रौपदी अकेली रह जाती है। जिस रास्ते पर, जिस मार्ग पर पांडवों की कुटिया बनी हुई है, उसी रास्ते पर पापी जयद्रथ आ जाता है। आहा सजनों, जैसे ही पापी जयद्रथ ने रानी द्रौपदी को देखा, पापी जयद्रथ अपने मन में विचार कर रहा है, कहा कि देखो रूप नार को नपने, देखो रूप नार को नपने, जितना चमकत चंद उजारी है। अरे कह तो इंद्रपुरी त्याई के देवन की नारी है, कि आयो भूप पास वाला के, आयो भूप पास वाला के, जाने ऐसी गिरा सुनाई, अरे तू कौन कहां ते। जैसे ही रानी द्रौपदी ने इतने वचनों को सुना, रानी द्रौपदी कह रही है मैं पांडवों की नारी हूं। पापी जयद्रथ जब ये समझा कि रानी द्रौपदी है, देखिए पापी जयद्रथ रानी द्रौपदी से कह रहा है आकाश कैसे, पापी जयद्रथ रानी द्रौपदी से कह रहे क्या
हरी बाबू शर्मा जी दे रहे हैं आगे, बहुत बहुत धन्यवाद। पापी जयद्रथ ने नारी द्रौपदी से कहा, अरे सुंदर तेरो अंग चलियो, सुंदर तेरो अंग चलियो संग भोगियो बादी। क्या? अरे सुंदर तेरो अंग चलियो संग भोगियो बादी। क्यों? और महलन में करियो मोजरी नचाले, शादी महलन में करियो मोजरी। आकाश जो देता दुख गरीबों को, क्या जो देता दुख गरीबों को, जो देता दुख गरीबों को, और शैतान उसी को कहते हैं, और जो करता मदद गरीबों की धनवान उसी को। और कहा जो राजा रंग कु सम्राट है, और ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारी मोनू भैया की मम्मी जी दे रही, हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जो राजा रंग कु सम्राट है, जो राजा रंग कु सम्राट है, और समुसान उसी को कहते हैं। क्या? जो राजा रंग कु सम्राट है, और समुसान उसी को कहते हैं। 50,000 रुपया लियो, दो रुपए का 25-25। और 51 रुपए का पुरस्कार भरत सिंह डॉक्टर महुआ से दे रहे हैं। बे ना दे रहे, काई जिद कर रहे हैं तुम चिंता मत करो, ना ले रहे हम तुमसे रुपए। कहा जो राजा राम कुकु सम्राट है, और शमशान उसी को कहते हैं, और जो पार लगा दे भैया, पार लगा दे नैया को भगवान उसी को कहते हैं। जो पार लगा दे क्या होता है, रानी द्रौपदी से कह रहा है। कहा रानी, अरे पांच पत्न की नार तो है के, पांच पत्न की नार तो है के, तू बन बन बीच भटक रही है। अरे करियो राज महल में चल, किन पंडवन ते कहा अटक रही है। सो रथ में बैठ संग चल मेरे, रथ में बैठ संग चल मेरे, दुष्ट कहे यो बानी, अरे तू बन जा मेरी रानी। आहा सजनों, जैसे ही रानी द्रौपदी ने इतने वचनों को सुना, रानी द्रौपदी पापी जयद्रथ से कह रही, और आकाश कैसे
चुल्ले साहब छोटो सो गानो और गाना भी क्या सुलोचना रात्रि में अपने महलों में सोई हुई है। सुबह हुआ मंदोदरी के पास में आई आकर के कहा कि सास जी रात्रि को मैंने एक बड़ा विचित्र सपना देखा। तो मंदोदरी पूछ रही है कि बेटी बता तूने सपना क्या देखा। तो देखिए सुलोचना मंदोदरी को बता रही है आकाश कैसे पति लक्ष्मण ने मारे मेरा जीवन भयो बेकार पति लक्ष्मण ने मारे मेरा जीवन भयो बेकार। आज सुलोचना कहने लगी सास जी सुनिए रात्रि में हुआ क्या क्या अरे कट की भुजा भैया कहा कहा सास जी सुनिए हुआ क्या अरे कट की भुजा महल में आई जाने रड़ को हाल बतायो है ओए अरे लक्ष्मण यति लक्ष्मण यति लक्ष्मण यति नींद सब त्यागी वो कुमार गिरायो है लक्ष्मण यति नींद सब त्यागी। लेकिन मंदोदरी कह रही है कि बेटी सब्र कर। सुलोचना ने कहा अरे कैसे सबर मरे को कर हल्दी के दाग अब ही ना छूटे भैया कहा क्या हल्दी के दाग अब ही ना छूटे भयो न बेटी बेटा है हल्दी के दाग अब ही ना छूटे। और कहा अरे हल्दी के ना छूटे भयो न बेटी बेटा है और अरे कैसी सबर करूं मेरी सासुल ले गयो कलम लपेटा है कैसी सबर करूं मेरी सासुल। कहा अरे कैसी सबर करूं मेरी सासुल ले गयो करम लपेटा है और अरे रामा हो और क्या मन बेगा पुरस्कार मांगेलाल फौजी फौजी है कि जब वो ऐसी बात करने कर रहे हैं ले सो कहा अरे रामा कल में शीश पत
पति को और मेरे बहे हाँ मेरे बहे ने जल धार पति लक्ष मन ने मारे मेरो जीवन भयो बेकार पति लक्ष मन ने मारे। और समय सबके लिए बराबर केवल लास्ट वन लास्ट वन में सुलोचना कह रही है सांसी आपसे मेरा एक निवेदन और वो निवेदन क्या किया कहा अरे प्राण पति को शीशु मंगाई दे सुलोचना कह रही है अरे प्राण पति को प्राण पति को शीशु मंगाई दे संग सती है जाऊंगी और अरे इतनो काम करा दे सासुल गुन तेरे में पाऊंगी इतनो काम करा दे सासुल और ये 51 रुपए का पुरस्कार ओम प्रकाश थानेदार दिल्ली पुलिस से दे रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। कहा अरे इतनो काम करा दे सासुल गुन तेरे में गाऊंगी और कहा अरे कई घन श्याम काम पतलोनी भैया अरे कई घन श्याम काम पतलोनी तेरी नैया हो तेरी नैया है जाए पार पति लक्ष मन ने मारे मेरा जीवन भयो बेकार। बहुत बहुत